नमस्कार, मैं हूं लुभाना शर्मा और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी। राजस्थानी भाषा के प्रसिद्ध कवि कन्हैयालाल सेठिया जी का आज उनकी पुण्यतिथि है और इस वक्त मेरे साथ वीणा म्यूजिक जो कंपनी है वीणा की, उनके निदेशक केसी मानू जी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्कार। सर, जब कन्हैयालाल सेठिया जी की बात आती है तो राजस्थानी गीतों की एक अपने आप में अलग ही उनकी जो पहचान थी गीतों को लेकर, वो गीत याद आने लगते हैं। जी, तो आज हम उन गीतों में ही बात करेंगे, उस राजस्थानी भाषा में बात करेंगे। सबसे पहले मेरा जो सवाल है आपसे वो ये है कि जब कन्हैयालाल सेठिया जी का जब नाम आता है तो जी, आपकी जहन में उस वक्त क्या आता है? मैं संयोग से मैं उसी शहर का हूं जिस शहर के कन्हैयालाल जी सेठिया थे। मैं सुजानगढ़ को बिलोंग करता हूं जी और सेठिया जी के पिताजी और मेरे दादाजी का बहुत अटूट फ्रेंडशिप का संबंध था। उस नाते मेरा सेठिया जी के घर में निरंतर जाना आना रहता था। शायद कोई सप्ताह ऐसा नहीं जाता हो तब मैं उनके पास नहीं गया और उनसे कुछ सीखा नहीं या उनसे कुछ चर्चा नहीं की। बेबाक होके मैं उनके एक पारिवारिक मित्र की तरह कभी भी उनके पास जाता, उनसे बात करता और उनके कविताओं से मुझे प्रेरणा मिली राजस्थानी भाषा की। और चूंकि उनकी बहुत सारी कविताएं, पहले जो उन्होंने कविताएं लिखी थी वो सब गेय थी, तुकांत थी, छंदबद्ध थी, तो उनको संगीतबद्ध करके सुनने का और मुझे तजुर्बा मिला और मुझे ऐसा लगा कि कविता को यदि संगीत में ढाल दिया जाता है तो वो और ज्यादा प्रभावक हो जाती है और इसी दृष्टिकोण से मैं इस संगीत में आया। ठीक मैं है। उदाहरण, एक बात तो ये था कि जो उनका एक गीत था धरती जी दोलारी, जी तो इसको आपने एक वीडियो के माध्यम से लोगों तक दर्शाया, लोगों तक इसकी एक पहचान बनाई, अलग ही इसको दिखाया लोगों तक। तो कैसा रहा वो सहयोग जब आपने जी इस तरह के गीत को प्रस्तुत किया तो? जी मैं चूंकि मैं कन्हैयालाल जी का अनन्य भक्त था और मुझे उनके जी गीत बहुत प्रिय थे और मेरे को उनके बहुत सारे गीत, जैसे मिंजर उनका संकलन था, वो बहुत मुझे प्रिय था। अभी ये धरती धोरारी गीत जो है, जी बहुत पहले एक संगीतकार रूप सेन ने मोहम्मद रफी की आवाज में रिकॉर्ड किया था, लेकिन उस वक्त उनका सोच था, उसको एक नेचुरल नेचर के बारे में ही खाली था, प्रकृति के बारे में उनका सोच था और बहुत कम स्केल में और बहुत कम म्यूजिक के साथ वो रिकॉर्ड किया गया था। चूंकि गीत बहुत अच्छा था इसलिए लोग उसे सुनते थे, लेकिन वो अपील नहीं कर पाया और धीरे धीरे वो लोप हो गया और जी उनके जो एलपी वगैरह थे वो भी अवेलेबल नहीं रहे, न सेठिया जी के पास रहे और न रूप सेन के पास रहे। तो मुझे चूंकि ये गीत बहुत प्रिय था और मैं इस गीत के साथ राजस्थान की गौरवशाली परंपरा को भी दिखाना चाहता था, लेकिन ये गीत उससे मेरी जो कल्पना थी उसको पूरा नहीं कर पा रहा था। तो मैंने सेठिया जी के दो गीत लिए, धरती धोरारी और जलम्भू। तो मैंने आपको देखे ये जो धरती धोरारी गीत प्रस्तुत किया जी वो दो गीतों को मिला के बनाया है और दोनों गीतों का जो थीम था अलग अलग था और बहुत मुश्किल था कि एक गीत को जहां से हम समाप्त करते हैं वहां से दूसरे गीत को हमको उठाना था और वहां पर स्वरों का मिलान नहीं हो रहा था, उसको मिलाने में कई महीने या वर्ष भी लग गए। तो मैंने उन दो गीतों को क्लब किया। पहला गीत था आ धरती गोरा धोरारी, आ धरती मीठा मोरारी, ई धरती रो रुतबो ऊंचो, आ बात कवे ऊंचो पूछो। ये राजस्थान जी की गौरवशाली परंपरा की बात थी। जी दूसरा गीत धरती धोरारी था जिसका मायड़ भोम, तो जिसका था कि धरती धोरारी धरती धोरारी धरती धोरारी, ये एक मेलोडियस सॉन्ग था। तो दोनों को मिला के मैंने इसको प्रस्तुत किया जिससे राजस्थान की गौरवशाली परंपरा का ज्ञान भी बच्चों को हो सके और इस धरती की महिमा का ज्ञान भी हो सके और मैं उसमें सफल हो गया।
सफल होने के बाद में मैंने उसका वीडियो बनाया, तो वो गीत बहुत अधिक सफल हुआ। और मुझे ऐसा ही लगता है कि आज वही गीत धरती दुलारी गीत के नाम से जाना जा रहा है। और खुशी है कि मैं कन्हैयालाल जी को इस गीत के माध्यम से अपनी एक विनम्र जो श्रद्धांजलि, या मैं देश के उनके जीवन काल में ही हो गया था और मैंने उनको दिखा दिया था। एक गीत और मैंने कन्हैयालाल जी सेठिया का प्रस्तुत किया था, पातल और पीथल, वो राणा प्रताप की कहानी है। अरे घास री रोटी ही जदमन बिलाव डोले भाग्यो, नानो सो उमरियो चीख पड़ियो, राणा रो सोयो दुख जाग्यो। वो भी बहुत लोकप्रिय हुआ था। और कन्हैयालाल जी के और बहुत सारे गीत ऐसे हैं, ऐसे गीत हैं जिनको छंदबद्ध करके प्रस्तुत किया जा सकता है भविष्य में कभी, क्योंकि अब सेठिया जी तो रहे नहीं, उनके पुत्रों जी से कभी परमिशन मिलेगी और वो चाहेंगे तो वो उनको गीतों को भी करेंगे। जी बिल्कुल सर। सर, जी जिस तरह से आपने बताया कि जो राजस्थानी भाषा है उसको आपने युवाओं को समझाने के लिए, युवा पीढ़ी से उसको जोड़ने के लिए इस तरह की भाषा को आपने सबके सामने आने दिया, पर जो जी राजस्थानी भाषा है सर, इसे आज भी मान्यता नहीं मिल पाई है, इसके बारे में क्या जी कहना चाहेंगे? देखिए, मान्यता के लिए सेठिया जी भी जीवन भर संघर्ष करते रहे और चिट्ठियां लिखते रहे, हजारों चिट्ठियां उन्होंने लिखी। लेकिन इसके दो कारण है, एक तो ये जन आंदोलन नहीं बना था, और दूसरा था हमारा जो राजनीतिक जो हमारा नेतृत्व था वो इस बारे में बहुत जागरूक नहीं था, इसीलिए मान्यता नहीं मिली। बार बार कई बार लोकसभा में संसद में इस तरह के सवाल उठे जिनका एक सांत्वनामूलक जवाब दे दिया गया, लेकिन वो एक जन आंदोलन नहीं बनने से ये काम नहीं हो पाया। पिछले चार पांच चार एक साल पहले हम लोगों ने एक धरना दिया था, वहां करीब 7,000 लोग जंतर मंतर पर बैठे थे, और उस वक्त मोदी जी ने कम से कम ये माना कि अब ये जन आंदोलन बन गया है, और उन्होंने उसको स्वीकार भी कर लिया था कि इन तीन भाषाओं को मान्यता दे दी जाए। लेकिन कई प्रशासनिक दिक्कतों के चलते या अलग विचारधाराओं के चलते इसको मान्यता नहीं हो पाई। अब हम इसको दोबारा से इस आंदोलन को फिर एक नया रूप दे करके हम चाहते हैं कि यदि केंद्र सरकार नहीं करे तो कम से कम राजस्थान सरकार तो इसकी शुरुआत करे, दूसरी भाषा बनाए। बिल्कुल, जिस तरह से अभी आपको राजस्थान सरकार ने रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया है, पर ऐसे में सरकार सम्मानित कर रही है राजस्थान रत्न पुरस्कार से, पर मान्यता नहीं देना चाह रही है। जी नहीं, राजस्थान सरकार ने तो विधानसभा में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर दिया था, और चूंकि ये सबसे बड़ी बाधा थी इस दिक्कत को दूर कर दिया था, ये बात 2003 की है। लेकिन लोकसभा में वहां पर ये बिल बार बार ये बात आई, लेकिन वहां से अनुमति नहीं मिली। अब यदि वो 8वीं अनुसूची में शामिल करने में देरी करते हैं या नहीं करते हैं तो राजस्थान सरकार इसको एक तो शिक्षा में शामिल कर दे। जी राजस्थान में क्या है कि आज राजस्थान का बच्चा पंजाबी विषय को ले सकता है, सिंधी को ले सकता है, गुजराती को ले सकता है, लेकिन राजस्थानी को नहीं ले सकता। ये एक बहुत बड़ी विडंबना है। तो राजस्थान सरकार इसको शिक्षा में शुरू कर दे, और हो सके तो इसको राज्य की द्वितीय राजभाषा के रूप में अपना ले। बाकी काम तो सारा हो ही रहा है, तो राजस्थानी भाषा का विकास हो जाएगा और ये रोजगार, जो बच्चे राजस्थानी पढ़ रहे हैं उनको रोजगार भी मिलेगा, और हमारे यहाँ से प्रशासनिक सेवाओं में जो लोगों का अधिक चयन होगा तो राज्य का अधिक विकास होगा। भाषा का तो विकास होगा ही होगा, राज्य का भी अधिक विकास होगा। पर आप ये देखिए ना कि जो राजस्थानी जो भाषा है अपनी राजस्थान जी की, वो कई बोलियों में बटी हुई है। अगर अपन बात कर ले, मारवाड़ी है, ब्रज है, रेवाड़ी है, शेखावटी जी है, तो इस जो भाषा को एक कैसे कर सकते हैं? जी ये एक भ्रांत धारणा है, एकदम निर्मूल धारणा है। ये केवल राजनीतिज्ञों ने फैलाई हुई ही बात है। ये तीन बातें जो हमारे इसमें सबसे आड़े आती है कि राजस्थानी बोलियां हैं। ये बोलियां जी ऐसा है, जो कोई भी भाषा होती है उसकी बोलियां होती है। हिंदी की कितनी बोलियां बताइए, हिंदी की खड़ी बोली, ये जी विंध्य वाला का अलग होगा, कानपुर की भाषा अलग होगी, लखनऊ की अलग होगी, गोरखपुर की अलग होगी, ब्रज अलग होगी, तो सारी हिंदी में शामिल है ना। इसी तरह राजस्थानी की भी ये जितनी बोलियां हैं, लेकिन इसमें क्रिया और सर्वनाम तो एक है, केवल शब्दों का फर्क है। तो
ये कोई बात नहीं हो। जो सबसे अच्छा भाषाविद बड़ा हुआ है जॉर्ज ग्रियर्सन, उसने ये माना है कि जिस भाषा में जितनी ज्यादा बोलियां होगी वो भाषा उतनी ही समृद्ध होगी। और उसने सन अठारह सौ नवासी के आसपास शायद राजस्थानी को भाषा माना है, और इसकी बोलियों के कारण से इसको समृद्ध माना है। दूसरी बात तो इसके बारे में कही जाती है कि इससे हिंदी को नुकसान होगा, ये बात भी एकदम निराधार है कि राजस्थानी से कभी हिंदी को निराधार नहीं होगा, कभी भी उसको नुकसान नहीं होगा, क्योंकि हम लोग हिंदी भी बोलते हैं राजस्थानी भी बोलते हैं, राजस्थानी को मान्यता मिलेगी। तो जिस तरह बोलियों से राजस्थानी समृद्ध होती है, उसी तरह राजस्थानी भाषा के विकास से हिंदी भी समृद्ध होगी, नुकसान नहीं होगा। तीसरी बात इसमें जो एक और बात कही जाती है कि साहब इसमें नोटों पे हम नहीं छाप सकते या इसमें परीक्षा नहीं ले सकते, तो ये सब धारणाएं एक अपनी या तो अफसरशाही ने या राजनेताओं ने अपने मन से धारणा बना ली है। और हमने जब उस तत्कालीन गृह सचिव थे मिस्टर राजीव महर्षि, उनको इन सब बातों के अकट्य प्रमाण के साथ हमने पूरा एक 500 पन्नों का पूरा पुलिंदा उनको दिया था कि भाई ये तीनों बातें निर्मूल है और इनको हटाया जाए। एक और बात जो आड़े आती है, वो भारत सरकार हमेशा यही जवाब देती है कोई भी चिट्ठी देने से कि अभी 34 भाषाओं की मान्यता पेंडिंग है, जबकि भाषा की मान्यता को देने के लिए जो क्राइटेरिया है उसमें उस सरकार की, उस स्टेट की सरकार की अनुशंसा होना जरूरी है। उस अनुशंसा कि बाकी जितनी भी भाषाएं हैं उनकी कोई स्टेट से अनुशंसा नहीं है, केवल चार भाषाओं की अनुशंसा है जिसमें भोजपुरी है, राजस्थानी है, होती है और छत्तीसगढ़ी है। इसके अलावा दो छोटी भाषाएं हैं जिनको 1 लाख से भी कम लोग बोलते हैं। तो मान्यता देने में कोई अड़चन नहीं है, न राजस्थान सरकार को अपनाने में कोई अड़चन नहीं है, क्योंकि संविधान सरकार राजस्थान सरकार को खुली छूट देता है कि वो चाहे तो बहुसंख्यक लोगों की भाषा को दूसरी भाषा बना सकता है, चाहे तो आप इसको। राजस्थानी, जी बिल्कुल सर, आप राजस्थानी भाषा से लगातार इतने लंबे समय तक जुड़े रहे हैं, तो जब आपने जो गीतों की शुरुआत करी थी तो इसमें जी आपका क्या अनुभव रहा, और कन्हैयालाल सेठिया जी का इसमें आपको क्या सहयोग रहा? जी क्योंकि मैं साहित्य का विद्यार्थी था और संगीत से मुझे प्रेम था, तो मैं गेय कविताओं को पढ़ा करता था, और उनमें कन्हैयालाल जी की, सेठिया जी की कविताएं भी मुझे बहुत प्रिय थी। और चूंकि हम रिश्ते से थे, एक समाज से थे, और उनकी, मैंने एक मित्र रामलाल जी माथुर संगीतकार थे, उन्होंने कन्हैयालाल जी का एक गीत था, मालीड़ा मत छूट फूल तो आपे ही कुमला शीरे, इस गीत को उन्होंने कंपोज करके मुझे सुनाया। तो मुझे ऐसा लगा कि कविता को यदि संगीत में ढाल दिया जाता है तो बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाती है। तो मैंने संगीत में एंट्री की और अच्छे गीतों को, भक्ति रचनाओं को या राजस्थानी लोकगीतों को मैंने संगीत में ढालना शुरू किया। और चूंकि मैं एजुकेटेड था और मुझे ज्ञान था और मैंने अपनी संस्कृति को गहराई से देखा था, तो मैंने जो गीत प्रस्तुत किए उनकी सफलता का सबसे बड़ा कारण ये था कि एकेडमिक काम किया मैंने और उसको कॉमर्शियली सक्सेस किया। जो लोग इस फील्ड में थे वो एकेडमिक नहीं थे, तो इसलिए वो परफेक्ट काम, या जिसको कहते हैं एक हेरिटेज को समझने वाला, या ओरिजिनल जो चीज देनी है वो उनकी समझ में नहीं आती थी। और मैंने, चूंकि मैंने दोनों तरह से अपने हेरिटेज का अध्ययन भी किया, गांव में भी गया, गांव के औरतों से गांव गीतों को सीखा, उनका परिमार्जन किया, उनके शब्दों को सही किया, और जब अच्छे संगीत के साथ उनको प्रस्तुत किया तो संगीत भी खूब मिला लोगों को और हमारी राजस्थानी भाषा का प्रचार भी खूब हुआ कि जो लोग राजस्थानी समझते थे या नहीं समझते थे उन सबको राजस्थानी भाषा सुनने को मिली। मेरे पास गुजरात से, हरियाणा से, पंजाब तक से चिट्ठियां आती थी कि साहब हम बहुत राजस्थानी भाषा नहीं समझते हैं, लेकिन आपके गीत को 3-4 बार सुनते हैं तो हमें राजस्थानी भाषा समझने में आ जाती है। अब आप ये बताइए मुझे कि जब बोली का और भाषा का यदि फर्क होता तो मेरे गीत केवल एक जयपुर में चलते या शेखावाटी में चलते, जोधपुर में, कोटा में, उदयपुर में क्यों चलते, बल्कि मेरे गीतों मालवा और हरियाणा तो समान रूप से
सीमाएं लांघ दी। तो ये यही बात, इस बात का जवाब है कि राजस्थान में बोलियां हैं, भाषा नहीं है। ये इस बात का जवाब है कि राजस्थानी भाषा है, सक्षम भाषा है, और जिनको आप बोलियां कहते हैं, शेखावाटी, मारवाड़ी, हड़ौती, ये सब इसकी शाखाएं हैं। वो बोलियां, इनसे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और खाली हम यहाँ शेखावाटी में मैं कहेंगे, उदयपुर में मुंह कह देंगे, और जोधपुर में मैं कह देंगे, उससे हमारा जो कम्युनिकेशन है उस पर कोई फर्क नहीं आता। हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है उसमें कोई फर्क नहीं आता। हम कोटा के कवि की कविताएं भी उतनी ही समझ लेते हैं जितनी जोधपुर के कवि की समझते हैं, या हमारे बुद्धि प्रकाश जी की बात को समझते हैं। तो ये निराधार बात है, और बस ये कमी है राजस्थानी भाषा को मान्यता मिलने में। एक इसको जन आंदोलन बनाया जाए, हमारे जी नेताओं को मजबूर किया जाए कि हमारी बात को खूब मजबूती के साथ संसद में उठावे, और राजस्थान के जो हमारे मुख्यमंत्री हैं और जिन्होंने ये इसकी मान्यता के लिए प्रस्ताव पारित करके भेजा है, और जो खुद राजस्थानी बेल्ट से आते हैं, वो यदि जी इसको शिक्षा में शामिल कर दे और दूसरी राजभाषा बना दे, तो ये तो हो गई मान्यता। और राजस्थानी विकास का, राजस्थानी भाषा का विकास एक ऐसा माध्यम बनेगा जो राजस्थानी सिर्फ भाषा नहीं, इसके साथ हमारी संस्कृति है, इसके साथ हमारी पन्ना ढाई है, इसके साथ हमारा दुर्गादास राठौड़ है, इसके साथ हमारी मीरा है, कर्मा है। तो ये हमारी कल्चर जो है, हमारे तीज त्योहार है, हमारी परंपराएं हैं, हमारे यहाँ का लोक व्यवहार है, वो सारा भाषा के साथ जाएगा और दुनिया उसको देखेगी और समझेगी, और हमारे राजस्थानी चाहे दुनिया में कहीं भी रहते हो, गर्व के साथ ये कह सकेंगे कि हम राजस्थानी हैं, हमारी भाषा राजस्थानी है, और हमारी जो संस्कृति है वो महान है। चलिए देखिए, जैसे आपने अभी राजस्थानी भाषा का भविष्य तो बता दिया, पर अगर हम जी गीत और फिल्मों की बात करें तो उसको आप किस तरह से देखते हैं, उनका क्या भविष्य होगा? देखिए, जो फिल्म बनाने वाले जो हमारे लोग हैं, वो जी राजस्थानी संस्कृति से और राजस्थानी भाषा पर उनका कमांड नहीं है, वो परिचित नहीं है, अध्ययन नहीं जी करते। बस एक कोई स्टोरी मिल गई और एक फाइनेंसर मिल गया तो वो लेके चल देते हैं। ऐसे फिल्म कैसे सक्सेस होगी, जब उसको हमारी को जब हमारी कल्चर उसमें डाल दी है। यदि एक फार्मूला फिल्म बन रही है तो हिंदी को ही देखेंगे लोग, राजस्थानी को क्यों देखेंगे? जब तक राजस्थान की बात उसमें नहीं आएगी, राजस्थान की परंपरा नहीं आएगी, राजस्थान के तीज त्योहार नहीं आएंगे, तब तक राजस्थानी के लिए क्यों आकृष्ट होंगे लोग? आज पहले तो राजस्थानी भाषा की फिल्में अलग थिएटर में लगती थी, ये अलग थिएटर में लगती थी, टीवी था नहीं, लोग राजस्थानी देख लेते थे, लेकिन आज सब लोग हिंदी फिल्में देख रहे हैं। हम जब राजस्थानी भाषा की उसी स्टैंडर्ड की फिल्म बनाएंगे तो लोग जी देखेंगे। संगीत हमारा बहुत पूर है, राजस्थानी भाषा के जो लोग फिल्म बनाते हैं वो संगीत पर ध्यान नहीं देते। राजस्थानी भाषा के जितने भी फिल्म निर्माता हैं, मैं उनसे विनम्रता से आग्रह करता हूँ कि वो अच्छी फिल्म बनाएं, स्टोरी पर ध्यान दें, संगीत पर ध्यान दें। यदि इन पर ध्यान दिया तो फिल्म निश्चित रूप से चलेगी, और राजस्थानी फिल्म में यदि चलने लग गई, लोगों ने देखना शुरू किया, तो राजस्थानी भाषा के विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका उनकी होगी। क्योंकि बिल्कुल हम देख रहे हैं साउथ में राजस्थान हिंदी का कितना विरोध था, लेकिन सबने हिंदी फिल्में देखनी शुरू की तो वो सब हिंदी समझने लग गए। सारी दुनिया राजस्थानी समझने लग जाएगी यदि हम अच्छी राजस्थानी फिल्में बना के चलाएंगे। सर, एक जो मेरा आखिरी सवाल आपसे है कि चलते चलते कन्हैयालाल कुंटिया जी का कुछ कौन से वो गीत और कौन सी वो पंक्तियां हैं जिन्हें आप याद करके कन्हैयालाल सेठिया को याद करते? देखिए, ये दो चीजें तो मैंने आपको बता दी, पाताल और पीताल, और धरती दौरानी भी आपने बता दी, लेकिन जी कन्हैयालाल जी की बहुत सारी ऐसी कविताएं हैं जो अजर अमर है। एक उनका ऐसा गीत है जो कम प्रचलित है, दिन दिन उगियो रूंखड़ लाम बैठ्या, पंछी जय जयकार करे, रात बसेरो जी लियो पटाऊ उठ मजला मनवार करे। मतलब एक कितना उन्होंने प्रकृति का शानदार चित्रण किया है कि सूरज उग गया है और पेड़ों पे बैठे हुए पंछी हैं वो चहचहाने लग गए हैं, मतलब जय जय, तो तुम जो सो रहे थे उठो, जागो और आगे बढ़ो, मंजिल तुम्हारी राह देख रही है। कितनी अच्छी जी बात बिल्कुल उन्होंने, बिल्कुल है ना, तो बहुत अच्छी सर, बात। तनाव जी
जी सर, जी तमाम तरीके की जो राजस्थानी भाषा से मिलती जुलती जो बातें आपने हमें बताई और कन्हैयालाल सेठिया जी से जो जुड़ती बातें आपने हमें बताई वो बहुत ही बहुत अच्छी थी। फिलहाल के लिए हमारे इस इंटरव्यू में बस इतना ही। देखते रहिए पंजाब।